हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग आर वेरी वेल। सो यार आज जो है ना, आज पिकनिक में जा रहे हैं हम लोग सारे कजन्स। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। कोई पिकनिक का प्रोग्राम नहीं था। अगर कोई पिकनिक का प्रोग्राम होता तो मैं आप लोगों को पता है पहले ही बता देता हूँ। अचानक से आज मगरिब के टाइम कज़न ने कॉल किया है कि यार सारे कज़न्स चलते हैं पिकनिक में, अचानक से प्रोग्राम बन रहे हैं तो चलना। हम लोगों ने कहा हाँ यार ज़रूर, क्योंकि काफ़ी साल हो गए कज़न वगैरह सारे साथ पिकनिक में नहीं गए। मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करूँ, 12 बजने वाला है क्योंकि हमें 2 बजे निकलना है और सारी पैकिंग वगैरह में भी मैं लगा हुआ था, इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी मैं फ़्रेश होकर आया हूँ और फ़ौरन से आप लोगों के लिए व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सके। तो इस व्लॉग को एंड तक वॉच करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और शिवी सही चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, अभी से करते वीडियो को लाइक। तो व्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप लोगों को एक और चीज़ बताना था कि भाई हम लोग जो इतने दिन से मूवी की तैयारी कर रहे थे, आप लोग तो व्लॉग में BTS सारा देख रहे होंगे, तो भाई फाइनली कल उसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो मैंने शॉर्ट्स बनाया था, वो मैंने अपलोड कर दिया था अपने इस चैनल पर। तो यार अभी जो एक्साइटमेंट है ना वो है पिकनिक में जाने का, तो मूवी वगैरह को छोड़ते हैं, आप लोग जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और अभी सारे घर वाले रेडी हो रहे हैं, मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ क्योंकि मैं सारी तैयारी वगैरह कर रहा था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी क्या क्या तैयारी हुई है। हमारा जो भाई सेटअप हुआ है वो ये सिर्फ बैग है जिसमें हम लोगों ने सारे अपने ड्रेस वगैरह रखे और इसमें कुछ खाने पीने की सारी चीज़ें, क्योंकि इतने अचानक से प्रोग्राम बने कि कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिला मामा लोगों को। तो कज़न ने कहा कि भाई वहीं पर सेटअप वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें वहीं बनाएंगे। आप लोग देख तो लिए होंगे थंबनेल और टाइटल, बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने क्योंकि सारे घर वाले रेडी हो गए, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। फाइनली भाई रेडी हो चुका हूँ मैं और अब जा रहे कज़न के घर, तो कज़न के घर पे जाके मिलता हूँ। और आज का जो मेरा भाई आउटफिट है वो फुल ये है, देख लें, और कमेंट्स में माशाल्लाह भी लाजमी लिख देना। तो चलते भाई जल्दी से निकलते, पूरी फैमिली नीचे उतर चुकी है, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। फाइनली भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है और इधर पैकिंग वगैरह भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ऊपर सारा सामान रख दिया हम लोग ने, अब सारे जा रहे गाड़ी में बैठे। भाई सुबह सुबह का टाइम हुआ और सुबह सुबह हम लोग आकर छत पे बैठे हैं, यहाँ पे मेरे कज़न वगैरह सारे हैं। और आप लोगों को पता है सुबह का जो व्यू होता है यार बिल्कुल लाज, सबसे ज़्यादा व्यू यही पसंद है। अभी हम लोग जा रहे हैं करली की तरफ, सुबह सुबह गाड़ी वाला फुल झटके दे रहा हूँ और ये भाई साहब इधर बैठ के शाम का मजा ले रहे हो। हर जगह आ रहा है और ये गाड़ी वाला हम लोगों को झटके दे रहा है, आवाज तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि हवा बहुत ज्यादा ही तेज है। तो आप लोग भाई ये व्यू चेक करें,
वाला व्यू चेक करो यार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ से भी निकलना भी गर्मी हो रहा है। ये दोनों भी बिल्कुल गर्मी में सैर कर रहे हैं भाई। गर्मी में फर्स्ट एंट्री हमारी हुई है, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, इधर बिल्कुल भी रश नहीं है, सिर्फ एक पोस्टर आई हुई है और पूरा हट वगैरह सारा ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अभी अंदर एंट्री होंगे फिर। चलो 1 2 3 मजा नहीं आया वैसा, ब्रेक लग गया। उतरो उतरो उतरो, अबे क्या कर रहे हैं, इसका समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल सबसे पहले उतरा है कूद कर, चलो 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 बात सही। इधर हट वगैरह सारी चीजें बुक किए जा रहे भाई फैमिली के लिए। चल चल जल्दी जल्दी रस्सी खोल यार, एक और अपने साथ ऊपर बुला सामान उतारने के लिए। और के खाएंगे इसको, जो खाने में मजा आता है वो अभी लजीज नहीं आता है, बिल्कुल लजीज रहेगा इसका। गाइस देख रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह ये बिल्कुल जिंदा चल रहा है। ये जब पकेगा तभी पता चलेगा क्या नाम है। अब ये पकेगा तो खाएंगे, अब देखो क्या तो रहेगा, अच्छा बनता है। देखो चेक करते हैं, कच्चा ला के देख रहे हैं भाई। लोगों को मैंने सारा व्यू वगैरह दिखा दिया है भाई, आप लोग भी इंजॉय कर सकें। और ये भाई साहब कपड़े चेंज करके जा रहे, जाओ जाओ आ रहा हूँ मैं भी कपड़े चेंज करके। मैं भी अब जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, कपड़े चेंज करके फिर चलते हैं भाई अंदर। कुछ अपने कजन्स वगैरह जा चुके हैं, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं तो अंदर जाके इंजॉय करते हैं। पानी भाई रेडी हो चुका हूँ मैं और जा रहा हूँ पानी में। है क्या ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है। लेकिन इसके नीचे जो पत्थर है ना वो बहुत ही तेज़ चुभ रहा है। वो अभी मैं शूज़ नहीं पहना, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहाऊंगा कज़न लोग के साथ, जब फिर नाश्ता करने जाऊंगा ना, क्योंकि अभी तो नाश्ता वगैरह बन रहा है, कज़न्स वगैरह नाश्ता बना रही है। जब नाश्ता करने जाऊंगा तो फिर वापसी में शूज़ पहनते हुए आऊँगा। ओह बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यार नीचे। बाकी वो रहे मेरे कज़न लोग सारे, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं तो चलते हैं भाई इनके साथ, करते हैं इंजॉय। बहुत बहुत बड़ा बड़ा नीचे पत्थर, इतना पाँव में लग रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार। ओए इसको इतना आगे नहीं लेकर जाओ। ये रहे बाकी सारे, वे मेरा ग्लासेस गुम नहीं हो जाए वे। कैसा लग रहा है आप लोगों को भाई? लो भाई ये लोग आए और आते साथ ही खेलने लग गए। देखो मेरी अभी तक डुबकी नहीं लगी, बस लगेगी अभी। मैं देता हूँ कैमरा अपने भतीजे को, उसको बोलता हूँ लगाए डुबकी भाई। नहीं 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 आएगा, ये पकड़ भाई एक डुबकी पकड़ो। चेरी बाबू यार ठंडा पानी मजा आता है। अबे आगे काफी ज्यादा ठंडा पानी, सुकून मारो चलाओ। मारू चेरी बाबू मैं मारू। बोल चले जा रहे उड़ाओ 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 सब दूर दूर हो यार। अबे ये क्या पकड़ नहीं।
पाँच सौ ले दे पाँच में चलांग लगा तेरे अब आ साथ आ बिल्डिंग बना के चला चल आवे आगे चल मां एक बहुत बड़ा मसला हो गया हम लोग नहा रहे थे तो मेरी ग्लासेस घूम हो गई है यार पता नहीं कहां गया और वो मेरा अपना था भी नहीं वो दमाद जो है ना दोस्त अभी दमाद जो साथ होता है ये उसका था पता नहीं डुबकी मारे चले गया यार भाई सॉरी घूम हो गया क्या करें क्या है हां पकड़ो पकड़ो जल्दी अरे यार पता नहीं कहां गया ये लोग ढूंढने गए हैं सारे और सारे बच्चे कच्चे लेकिन पता नहीं मिले भी नहीं क्योंकि भाई ऐसे पानी में घूम होते तो बहुत ही मुश्किल होता है मिलना यार पता नहीं ग्लासेस कहाँ गया वापस ही नहीं मिला यार पता नहीं इसने घूम किया इसने घूम किया खैर ऐसा सीन वगैरह होता रहता है खैर वाली बात है इंजॉय करो लेकिन वो किसी और का था मेरा अपना नहीं था वो बेटा इससे आगे नहीं जाना वो ना सीधा ऐसे जाओगे चलो यार नाश्ता करके आते आ जाओ कौन है कहाँ है भाई बत्तक ओ भाई पागल है वो रस्सी है बत्तक कहाँ है तुझे मैं दिखा दूँ कहाँ है मेरे पास आ दिखा अबे ओ यार ये नहीं वो बत्तक के बच्चे बत्तक मंत्री का मुंह गुलाट टुला रह गया वो देखो कहाँ यार कहाँ गई उड़ गई अंदर अरे भाई साहब इधर तो बत्तख भी है यार दिख ही नहीं पता नहीं कहाँ पर उड़ गई और ये पाउच लगा हुआ है मैं जूम नहीं कर रहा हूँ मुझे दिख भी नहीं रहा है यार कहाँ चले गई गा यार वो ऐसा नहीं हम लोगों ने वारी 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 अरे अरे भाई पाली 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 हो रे बत्तख पीछे आ जा पकड़ इसको वॉश बना वैसे भी बिरयानी बन ना वो ये ओए ये बत्तख नहीं है ओए बत्तख नहीं थी कौन है कौवा पागल पागल में अरे भाई साहब ये ऐसे ना रहे हम लोग ने समझा भाई बत्तख वगैरह ये तो कौवा था ये घर का केला मारे साथ चलो यार अब जा रहे देखते नाश्ता वगैरह का क्या सजा में तो करते नाश्ता देन फिर उसके बाद पानी पर वापस सुबह का नाश्ता आ चुका है भाई यहीं पर चाय बनाए फैमिली ने और साथ पापा अब करते हैं जल्दी से नाश्ता फाइनली भाई नाश्ता वगैरह करके फारिग हो चुके हैं और मैं स्लीपर पहन लिया हूँ क्योंकि पत्थर काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा था अभी हम लोग अगर रस्सी ढूंढ ले कोई रस्सी बंधे तो इसको बांधे क्योंकि अगर ऐसी पानी में गए ये निकल जाएगा वापसी ये दो जासूस मेरे साथ है रस्सी ढूंढने अबे देख ले भाई अभी इन लोगों से मांगना भाई ये दो रस्सी मिला यहाँ पे बैठ कर हम लोग करते हैं इसके साथ कार्रवाई बांधेगा कौन बांधे भाई कैसा बांधे पाबंद नहीं कभी अबे सबसे अच्छा है यार ये देख हल निकल गया फुल फिट हो गया भाई ये अगर ऊपर हो गया चल भाई हो गया पानी चलो पानी में चलो कन ब्लॉग लगा कर पानी पर आ चुका हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ना इस जगह पे इस फेस कैसे ज़्यादा रेड हो जाता और ब्लैक हो जाता है इस वजह से मैंने सन ब्लॉग लगाया और ये लोग ये इंजॉय कर रहे हैं भाई अबे भाई इतना मोटा ट्यूब फट जाएगा क्या कर रहा है अल्लाह खैर करे भाई ट्यूब ट्यूब फट जाएगा ट्यूब क्रश कर जाएगा अबे भाई चल भी जा सही ट्यूब नहीं पकड़ा मजा नहीं आया मारने में और बनाना जी मैंने बनाना शेवी भाई लाओ मैं बना रहा हूं जाओ लो पापा आप हो मेरी बहन आप हो मैं मार लूंगा
काजी भाई पापा लोग भी आ चुके, कजन भी आ चुके, नाने शान भी आ चुके, सारे इधर एंजॉय करो। और पापा इधर, पापा इधर एंजॉय कर रहे। वो टैलेंट देखो पापा, सीधा लेट के तेरी है वो देखो भाई, ये देखो पिक्को बोलते अमदा कर लेगा बेबे कह रहा क्यों है? हाँ बेबे क्या हो गया पिप्पे को? हाँ यार मैं हम लोगों को बताना भूल गया था कि वकार भाई लोग भी आए हैं भाई इस्लामाबाद से, इनके साथ ही हम लोग घूमने, फुल इंजॉयमेंट हो रही है। वकार भाई लोग भी आए हुए थे बकरीद में। ये रहे ये लोग, और सारे अपने लड़के उधर नहा रहे, इधर बाबा लोग हैं, बड़े पापा है, और मैं भी जा रहा हूँ आगे नहाने, इंजॉय करने। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार कजनों के साथ। ट्यूब का है अपना ट्यूब, वो हमदा इधर लेकर आओ ट्यूब। ओए ट्यूब इधर लाओ, ट्यूब इधर लाओ, वो शान जम करेगा, इधर लेकर आओ। मारना जम, अच्छा अच्छा हमदा शान को मारना दे, हमदा शान को मारना दे, मार शान मार। पानी से मैं भाई निकल कर आ चुका हूँ, और खाने वगैरह का सेटअप चल रहा है इधर, कज़न खाना बना रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वही सीन कुछ ये, मोबाइल में मेरे चार्ज नहीं है और ना ही मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो देखते हैं भाई ब्लॉगिंग कैसे होती है, तो चला आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पर भाई बिरयानी की तैयारी चल रही है, मेरे कज़न इधर बैठ कर बिरयानी बना रहे हैं। अभी इन्होंने कौरमा रेडी किया, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है भाई कौरमा। बिरयानी तैयार होते तो आप लोगों को फुल दिखाता हूँ। फाइनली भाई यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गया, खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है भाई। बहुत ही मज़ेदार की बिरयानी थी, मैं उस टाइम रिव्यू नहीं देख पाया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो जल्दी जल्दी खाना खाया और ये साथ आ गया कोल्ड ड्रिंक, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पीने, फिर इधर थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक करेंगे क्योंकि डायरेक्ट पानी में नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो 5-10 मिनट इधर हम लोग अभी वॉक करें, कोल्ड ड्रिंक पीते फिर देन उसके बाद पानी पे जाएंगे। लो भाई खाना खाया, और वकार भाई ने लगा दिया इधर गरम किस्म का बिल्कुल शीशा, इधर सब शीशा भी है, बिल्कुल पानी के सामने बैठ कर VIP सी है। फिर आ चुके पानी के अंदर इंजॉय करने, कदन वगैरह के साथ ये लोग आ रहे हैं और बाकी जो है वो लोग भी पीछे से आ रहे हैं, तो करते हैं भाई इंजॉय। पानी से बाहर आ चुके हैं भाई, क्योंकि टाइम 5:30 हो रहा है और सारे ज़्यादातर जा चुके हैं, पूरा खाली हो रहा है, कोई भी नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, जिसमें हम लोग भी, हमारी गाड़ी वो पीछे खड़ी हुई है वो भी आ रही है, तो अभी हम लोग भी सामान वगैरह पैक करेंगे और निकलेंगे। यार सर में ना बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और आइस बहुत ज़्यादा ही जल रहा है, और यार एक चीज़ हुआ कि फेस में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैं शुरू से फेस वॉश लगा कर गया था, बाकी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, फुल लाल, इसको देख ले ये फुल लाल, इसको देख ले फुल लाल, क्योंकि इन लोगों ने भाई फेस वॉश नहीं लगाया था, ये लोग डायरेक्ट पानी में गए थे, इन लोगों ने बाद में लगाया, पानी से आने के बाद 2 घंटे बाद ये लोग फिर खाना वगैरह खाए, फिर ये लोग जाकर इन लोगों ने फेस वॉश लगाया, तो इनका सारा फेस ख़राब हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा नहीं हुआ। अभी फिलहाल गाड़ी आ रही है तो सामान वगैरह रखते हैं और निकलते हैं। फेंको शान सही से तुम सेटिंग करो, फेंको
सारी चीज़ें हम लोगों ने सेट वगैरह कर लिया है और गाड़ी भी चलना भी स्टार्ट हुई है। अब बस हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम लोग चाहते हैं सिर्फ दो बंदे बैठे हुए यार, आराम से सुकून से जाना है क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अभी पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे बादशाही मस्जिद, ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, दैन उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। अभी मेरे साथ बैठा हुआ है हमजा, क्योंकि मैंने कहा भाई सिर्फ दो ही बंदे बैठ सकते हैं बिल्कुल इजीली, क्योंकि बंदे नींद में बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है यार, और शाम का व्यू तो फिर भाई क्लास का ही होता है। तो इसको भी करते हैं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू, कर दो यार इसको अगले साल। जाना था यार बादशाही मस्जिद, बट हम लोग वहाँ नहीं गए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो हम लोग अभी ये सनवे है, सनवे लगून के पार्क पर रुके, यहाँ पर हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे।